जमीन से बिछे खड़े दीवारों से तुम छत से छाए तुम वसंत होकर प्राणों में बसे लड़े पतझारों से तुम ही चित्रों से प्रेमों में जड़े लदे हो हारों से तुम छत से छाए। एक किताब पिताजी की स्मृति में पिताजी की ही लिखी हुई किताब है वो, क्योंकि उस किताब का बड़ा हिस्सा उन्हीं के लिखे हुए लेख है और किताब की मिनिमम रिक्वायरमेंट थी कि कुछ पन्ने पूरे हों, तो उसमें हम लोगों ने सोचा कि क्यों ना हम तीनों भाई और बहन मिलके उसमें कुछ पन्ने जोड़े और जहाँ से पिताजी छोड़ गए अपनी कहानी उसको हम लोगों ने अपनी तरह से बढ़ाने का प्रयास किया है। और इससे अच्छा शायद मेरे लिए और हम सब लोग के लिए, हमारे परिवार के लिए नहीं है कि आप सभी लोग जो उनके लिए बहुत प्रिय रहे हमेशा और जिनके साथ उन्होंने इतना समय, यहाँ मैदोरी कॉलोनी में 43 साल से तो मैं ही जानता हूँ, उससे पहले से ही आप लोग जानते हैं पापा को। और एक पिताजी के इस किताब में चार एक फोटो है जिसमें उनकी मित्र मंडली का जिक्र है। उस मित्र मंडली से दो लोगों का आशीर्वाद हमको आज भी प्राप्त है, मिश्रा अंकल जी हैं और रामस्वीर सिंह अंकल जी हैं। तीसरे यश भैया, इसलिए क्योंकि इस किताब में मुझे इसलिए भी याद है कि जब उमाकांत मालवीय अंकल जी का निधन हुआ था तो एक स्मारिका छपी थी और उसका मुझे कवर अभी भी याद है, कुछ नारंगी रंग का कवर था और उसकी एक उसपे ब्लैक एंड व्हाइट फोटो थी अंकल जी की, तो वो भी एक जहन में था कि उस तरह से कुछ हम एक बना के हमेशा के रखें। प्रवीण भैया हैं, चूंकि पिताजी को जब मेरे ज्यादातर मित्र पिताजी को पसंद नहीं आते थे क्योंकि वो मेरे जैसे ही थे, थोड़ा बदमाश टाइप के, थोड़ा बदमाशी करने वाले। प्रवीण भैया मित्र तो नहीं है, बड़े भाई हैं, लेकिन प्रवीण भैया को पिताजी बहुत स्नेह करते थे हमेशा, तो उनको भी बुलाऊंगा मैं। और जसवंत भैया चूंकि हमारे परिवार में अब सबसे बड़े और हम लोग के मतलब अभिभावक के तौर पे हैं, तो मैं चाहूंगा कि आप पांचों लोग आए और इस किताब में जो भी हम लोगों ने प्रयास किया है उसको आप लोग उसका विमोचन कह लें या जो भी उसको सही शब्द मुझे नहीं पता क्या होता है, क्योंकि पिताजी के ना रहने, किसी लेखक के ना रहने पर उसकी किताब का विमोचन कैसे होता है मुझे नहीं पता, मेरे लिए तो सिर्फ एक अनुभव जैसा है। हम कोशिश कर रहे हैं, आप लोग आइए और प्लीज ये किताबें हैं और फिर उसके बाद किताब की प्रतियां भी हैं तो वो आप लोग के लिए भैया। अगर आप लोग कुछ दो शब्द कहना भी चाहें तो एक संस्मरण हम सुनाते हैं जी पहले। हाँ हाँ बिल्कुल। नहीं आप हम दो आदमी और एक हमारे साथी सरदार चरण सिंह और भाई साहब एमपी सिंह साहब, एक साल के लिए हम लोग डिप्टेशन पर पटना गए हुए थे। उस संस्मरण का इसमें जिक्र भी आपको मिल जाएगा। हम लोग वहाँ गए हुए थे और एक मकान किराए पर लेकर के उसमें हम सब लोग एक साथ रहते थे और भरत नाम का एक लड़का था वो खाना पीना बनाता था। तो दो संस्मरण हो जाएगी। पहला तो ये कि उसकी जिम्मेदारी एमपी सिंह साहब के पास थी, कैसे महीने का खर्चा होगा, घर मालिक वो थे। हम लोग उससे फुर्सत थी क्या लाना है क्या लाना है, तो घी रोजे कम हो जाता था। तो सवाल था, भरत से पूछते थे कि कैसे खत्म हो जा रहा। कहा साहब आप उधर चलिए तो बताते हैं। कहे ये दो आदमी जो है रोटी गिन के नहीं लेते, बीते के हिसाब से लेते, और बिना घी लगा भी रहे तो एक कटोरी में घी इधर ले आओ। उसका नतीजा ये है, हम अभी बच्चे का एक संस्मरण ये है। दूसरा, हम लोग चार आदमी, हम ये इसमें फोटो भी कहीं होगा, चारों आदमी को ये सूझा कि हम लोग एक साथ जो है चलिए कहीं पर सूट सिलवाने के लिए पटना की जो सबसे अच्छी मार्केट थी वहाँ हम लोग गए। तो सूट करीब सबका एक ही कपड़े का, तो दर्जी ने जब सबका नाप ले लिया, एमपी सिंह साहब का, सरदार जी का, इनका,
हमारा कपड़ा मांगा तो हमने कहा भैया इसमें से थोड़ा थोड़ा बचा के, हम तो छोटे हैं, हमारे लिए भी इसमें एक सूट बना दे। और उसको खूब नपवा रहे थे कि इधर नाप ले चुका था, बड़ा रहेगा छोटा रहेगा ये कथा रहेगा, बहुत देर परेशान की उसको कहा कपड़ा काम के उसी में से ले लो, हालांकि हम बाद में कपड़ा दिए। अब आपको सुनाइए फीडबैक सुनाते थे वो पहले तो तन से सट गया लल्लू चचा का कोट, धुल के मिला तो घट गया लल्लू चचा का कोट। मैं जब से ये किताब मेरे हाथ में आई है, हमने कुछ लिख डाला था, हम पढ़ना चाहते हैं क्योंकि मुझे लगता है कि ये जो काम आप लोगों ने किया है 100 श्राद्धों पर भारी है ये काम, क्योंकि उन्होंने इस स्मृति को आपने हमेशा हमेशा के लिए संजो लिया है। मैंने कल शिवेंद्र से ये किताब मिली तो हम उन्हें बिसूते रहे बस लगातार, और वही एक शेर दिमाग में आता रहा कि रास्तों कहाँ गए वो लोग जो आते जाते मेरे आदाब पे कहते थे कि जीते रहिए। पिता के अनन्य अपने थे माधव प्रसाद सिंह, मेरे तो चाचा ही हुए, दिल में बनारस लेकर जिंदगी भर उन्होंने इलाहाबाद के एजी ऑफिस में नौकरी की, जब जाने की बेला आई तो लौट गए अपने बनारस, और 16 नवंबर 2020 को अपना बोरिया बिस्तर समेट लिया। बाबू साहब नामवर सिंह और शिव प्रसाद सिंह जी के बहुत चहेते थे, पिता के मित्र के नाते ये बहुत अपना सा रिश्ता मुझे विरसे में मिला था। मैंदौरी में ही रहते थे, गंगा के रास्ते आते जाते अक्सर मिल जाया करते थे, उन्हें आता देखकर ऐसा लगता था जैसे साकार बनारस ही सामने से चला आ रहा हो। बहुत प्यारी हिदायतों के साथ मिला करते थे, जाड़ा हो तो कहते थे स्वेटर कम पहन रखे हो, गर्मी हो तो कहें बहुत लू चल रही है काहे नहीं है गमछा सिर पर डाल लिए, हर किसी की मदद को तत्पर रहते थे, अपनों पर जान दिए रहते थे। उनके भीतर एक संवेदनशील लेखक भी रहता था, पर स्वांता सुखाए वाले भाव से ही। उनके सुलेखक बेटे ने बड़ा पुण्य कार्य किया, एकदम पूजा प्रार्थना जैसा, घर में बिखरे उनके बेतरतीब लेखन को एक तरतीब दे दी, जो भी यहां वहां कोने अच्छे पीले पड़ते टूटते कागज पर उन्हें लिखकर छोड़ा हुआ था उसे एक जिल्द में कर दिया और नाम दे दिया एक बाबू के नोट्स, और हो गई तैयार एक किताब जिसमें उनकी बोलती हुई जिंदगी ही दिखाई दे रही है, अनुभव और ज्ञान में सीधी हुई। इतना ही नहीं, दूसरे खंड में शिवेंद्र सहित सभी भाई बहनों ने भी उन पर बहुत प्यार से लिखा है, जब से किताब मिली है तब से उन्हें बिसूर रहा हूं और सोच रहा हूं कि ऐसे भी याद किए जा सकते हैं पिता। पितृ ऋण या मातृ ऋण से उऋण नहीं हुआ जा सकता, पर उस रास्ते पर दो एक कदम चला तो जा ही सकता है। मुझे तो 100 श्राद्धों पर भारी लग रही है एक अकेली ये किताब। कभी शिवेंद्र इलाहाबाद आए हुए हों तो बड़े स्नेह और आदर से पूरा नाम लेकर ये सूचित करना नहीं भूलते थे कि शिवेंद्र कुमार सिंह आए हुए हैं। छोटों को सम्मान देना शायद मैंने उन्हीं से सीखा है। जुग जुग जियो शिवेंद्र भाई, ममता जी ने तो प्यार से लिखा ही है, आज कालिया जी भी होते तो बहुत अच्छा लगता उन्हें तुम्हारा ये काम। कालिया जी के कमरे से बाहर आ रहे होते थे तो कई बार बाहर हमको मिल जाते थे तो कहें, हमने कहा और चाची जी क्या कर रहे हैं, बोले कथाकार को समझा के आ रहे हैं। और फिर वह भी एमपी सर को बहुत गौर से सुनते थे और उनके कहे हुए पर अमल लाते थे। प्रसिद्ध इतिहासकार डॉक्टर लाल बहादुर वर्मा को भी उनसे इतिहास बोध मिलता था, और एक गीत जो रास्ते में रुक के प्रायः जब हम ऐसे पढ़ने लगते थे, बोले नहीं वो गीत सुनाओ जो तुमने अपने पापा पे लिखा है। आज हम लोग यहाँ पे हैं, सबसे ज्यादा उपस्थित वही हैं जो यहाँ नहीं है, तो पिता की ऐसी ही स्थिति थी और हम बहुत उदास थे। हमने घर में
उनके चित्र पे माला पहनाया और फिर लगा कि नहीं है पिता, एक मलाल जैसे मन में आया। तो फिर अगले क्षण यह आया कि ये पिता ही तो है तुम्हारा, जो छत सा छाया हुआ है, जमीन सा बिछा हुआ है, दीवारों सा घेरे हुए है। तो दरअसल पिता कहीं जाते नहीं है, वो एक रक्त की गंगा है जो हमारी शिराओं में बहती हुई रहती है। सारे लोग तुम्हारे चेहरों पे, शिवेंद्र के चेहरे पे, बड़े भाई के चेहरे पे दिखते हैं हमको। तो वो कविता जो पिता के लिए लिखी थी वो हमसे सुनते थे प्रायः, कभी कभी उसको हम ऐसे उसकी पंक्तियां बोलने लगते थे। तो बोले यार घुसलाव नहीं, गा घुसलाव। हमने कहा चाचा चौराहे पे कहीं तो क्या और लोग भी सुन लेंगे। वो गीत सुनाते हैं। जमीन से बिछे खड़े दीवारों से तुम छत से छाए, जमीन से बिछे खड़े दीवारों से तुम घर के आंगन, बादल से घिरे रहे बौछारों से तुम छत से छाए, तुम अलबम से दबे पांव जब बाहर आते हो, तुम अलबम से दबे पांव जब बाहर आते हो, कमरे कमरे अब भी अपने गीत गुंजाते हो, कमरे कमरे अब भी अपने गीत गुंजाते हो, तुम वसंत होकर प्राणों में बसे लड़े पतझारों से, तुम वसंत होकर प्राणों में बसे लड़े पतझारों से, तुम ही चित्रों से प्रेमों में जड़े लदे हो हारों से, तुम छत से छाए जमीन से बिछे खड़े दीवारों से, तुम घर के आंगन बादल से घिरे रहे बौछारों से, तुम किताब से धरे मेज पर पिछले सालों से, तुम किताब से धरे मेज पर पिछले सालों से, आंसू बनकर तुम्ही ढुलकते दोनों गालों से, आंसू बनकर तुम्ही ढुलकते दोनों गालों से, तुम ही नयनों में सपनों से तेरे लिखे त्योहारों से, तुम ही नयनों में सपनों से तेरे लिखे त्योहारों से, तुम ही उड़ते हो बच्चों के हाथ बंधे गुब्बारों से, तुम छत से छाए जमीन से बिछे खड़े दीवारों से, तुम घर के आंगन बादल से घिरे रहे बौछारों से। और वो डांट याद आती है, जिस तरह वो डांटते थे कभी कभी, झिड़कते थे, यदा कदा वह डांट तुम्हारी मीठी मीठी सी, यदा कदा वह डांट तुम्हारी मीठी मीठी सी, घोर शीत में जग जाती है याद अंगीठी सी, घोर शीत में जग जाती है याद अंगीठी सी, तुम्ही हवाओं में खिड़की से हिले बहे रसधारों से, तुम्ही हवाओं में खिड़की से हिले बहे रसधारों से, तुम ही फूले हो होठों पर सजे खिले कचनारों से, तुम छत से छाए जमीन से बिछे खड़े दीवारों से, तुम घर के आंगन बादल से घिरे रहे बौछारों से। तो ऐसा लगता है जैसे कि वो यहाँ है। और वो अहमद फराज कहते हैं कि मैं तुझे खो के भी जिंदा हूं, ये देखा तूने किस कदर हौसला हारे हुए इंसान में है, और दिल धड़कने की सदा आती है गाहे गाहे, जैसे अभी तेरी आवाज मेरे कान में। लगता अभी भी पापा बुला रहे हैं, अभी भी एमपी चाचा बुला रहे हैं, टेर रहे हैं, आवाज दे रहे हैं। वो कुछ दिन पहले ऐसे मिल गए थे, जब खबर मिली हमको तो लगा कि कल उसकी आंखों ने क्या जिंदा गुफ्तगू की थी, गुमान तक ना हुआ वो बिछड़ने वाला है। दूसरे की आंख का आंसू अपनी आंख में ले लेने का जो उनमें एक वो था, कौशल था। और जिस तरह से रास्ते चलते छोटे बच्चे से लेके और बुजुर्ग हर पीढ़ी से उनका एक रिश्ता बनता था, मैं उन्हें याद करता हूं तो लगता है जैसे कि गंगा नहा लिया। ऐसे लोग, महादेवी जी एक बात कहा करती थी कि भगवान जी के यहां वो सांचा ही टूट गया जैसे इस तरह के लोग बना करते थे। ये पूरी पीढ़ी मानी
चाचा आप सारे लोग, लगता था कि पूरी यूनिट है और एक पूरा मोहल्ला, पूरा ए जी ऑफिस, पूरा जो सगापन है आपस का, हम मोहल्लेदार ही वाले लोग नहीं थे, हम रिश्तेदारों में रहने वाले लोग थे और रिश्तों को जी के गए वो, तो जो नेपथ्य में जिया वो जिया ही नहीं, और जो सुद्देश्य जिया वो मरता कहाँ है, उसको कैसी श्रद्धांजलि, उसको तो हम लोग प्रणाम कर सकते हैं, क्योंकि कहा भी है कि दर्द सारे तमाम हो जाते हम जो केवल प्रणाम हो जाते हैं। आप सबको बहुत बहुत प्रणाम। एक मिनट रुकिए मिश्रा जी, अभी सब लोग हंसेंगे। ये घर बन रहा था, हमारा घर, यहाँ कुछ कोई नहीं था, यही कुछ युवकों के मकान बने हुए, तो भी खाली पड़े, कोई पेड़ रूख नहीं था यहाँ, कोई चाय पीने की दुकान नहीं थी। हम लोग चौराहे पर लोकाई एक यादव थे, उनके पर जाते थे चाय पीने की मन होता। मई का महीना, एक नीम का पेड़ सहारा था, वो छोटा था, उस समय सरसों अवस्था में था। एक बुढ़िया मोहम्मदन की वही रहती थी बगल में, वही चारपाई दे देती थी, उसी पर दोनों जने एक ही चारपाई पे लेटते थे जब आराम करना होता था। एक दिन उन्होंने एक बहुत बढ़िया बात कहा हमसे, हम लोग परेशान थे, कभी पानी लेना, कभी बिजली कनेक्शन लेना, ये लेना, कभी ईंटा के लिए दौड़ना, कभी सीमेंट नहीं मिलता था, सीमेंट के लिए जाना। लेटे लेटे उन्होंने, अब साइकिल सहारा थी, तो वो कहते हैं मिश्रा जी एक काम करना यार। हम कहा क्या? कहें कोई दुश्मन हो उसको एक प्लाट खरीद के दे देना, शहर में एक प्लाट खरीद के दे देना, और वो अपने हैसियत से ज्यादा घर बनाएगा, फिर आपसे दुश्मनी करने लायक नहीं रहेगा। अरे इस रोड पे कई बार ऐसा होता था कि देखा, अरे ये एमपी चाचा चले जाने, तो कोई बालू वाला ट्रॉली ले जा रहा ना, तो उसको अपनी साइकिल किनारे करके धक्का देते हुए उसको ये कर देते हुए रास्ते में रुक के। क्या बात, प्रवीण एमपी सिंह साहब और हम दोनों अंग्रेजी साहित्य के विद्यार्थी रहे, उनकी भी बहुत प्रिय लाइन और हमारी भी बहुत प्रिय लाइन है, यू व्हाट इज हैप्पीनेस, ये टॉमस हार्डी की एक नावेल है, द मेयर ऑफ कास्टर ब्रिज, वहाँ की उक्ति है, हैप्पीनेस इज बट एन ओकेजनल एपिसोड इन द जनरल ड्रामा ऑफ पेन। ये पूरी जिंदगी ड्रामा है पेन की, उसमें एक एपिसोड कहीं हैप्पीनेस का आ गया, हैप्पीनेस इज बट एन ओकेजनल एपिसोड इन द जनरल ड्रामा ऑफ पेन। अब भैया बोलेंगे अगर आदेश होगा। हाँ बिल्कुल, आप नहीं नहीं भाई, आप बोलिए, आप बोलिए, अच्छा नहीं लगेगा, आपके रहते मैं बोलूँ, आप यहाँ के लोगों में हैं। अब शिवेंद्र और चाचा जी बोलने के लिए कह रहे हैं, लेकिन बहुत अपने लोगों के बीच में, परिवार के लोगों के बीच में कुछ अलग से बोलना या बोलने की कोशिश करना अजीब सा लगता है, संकट हो जाता है, बोलना बतियाना तो ठीक लगता है। कल ये किताब शिवेंद्र ने मुझे दी, इन पन्नों से गुजरते हुए ऐसा लग रहा था कि उन्हीं की छाया में मैं चल रहा हूँ और जीवन की कोई यात्रा पूरी कर रहा हूँ। उनकी यादों को लेकर जिस तरह से शिवेंद्र ने और बड़े भैया ने, अर्चना ने और बहन ने, परिवार ने इसको सहेजा है, इसे कहते हैं कि अगर एक मनुष्य के पास, इंसान के पास दो चीज़ें हों, सपने हों और स्मृतियाँ हों, तो जीवन बहुत सार्थक हो जाता है। और जिस तरह से स्मृतियों को सहेजा है वो न केवल इस पीढ़ी के लिए, इस परिवार के लिए एक विरासत के रूप में है। चाचा जी ने तो घर, बिल्डिंग, दीवार, संस्कार, पढ़ाई लिखाई सब कुछ दिया है, लेकिन उनकी स्मृतियों को, उनकी यादों को विरासत का हिस्सा बना देना, एक पूंजी बना देना, ये शिवेंद्र ने और आप भैया लोगों ने, बहन ने, सब लोगों ने मिलकर किया है, ये अपने आप में बड़ी बात है। ये उनकी स्मृतियाँ हम सब के काम हैं। और एक आप देखें जो समय चल रहा है, जिसे कहते हैं कि एक सामाजिक और सांस्कृतिक स्मृति लोप के शिकार हम होते जा रहे हैं, ऐसे में ये किताब
न सिर्फ एक सरकारी बाबू को जानने के लिए बल्कि जो हमारे देश का जो मध्य वर्ग है उसके सपनों को, उसके संघर्ष को, उसके नैतिक मूल्यों को, उसके परिवार के प्रति जिम्मेदारियों को, उसके संघर्ष को, उसके संकल्प को, पूरे भारतीय समाज को हम इस किताब में झांक कर जान सकते हैं। इसलिए मैं कहूँगा सिर्फ ये किताब चाचा की स्मृतियों का कलेक्शन नहीं है या बहन और बड़े भैया या शिवेंद्र की यादों का दस्तावेज नहीं है बल्कि एक भारतीय मानस, उत्तर भारतीय मानस क्या बात और उसके दुख सुख, उसकी चिंताओं और उसके संघर्ष और उसके जीतने की कहानी भी है। इस बात का खुलासा मैं आज करूं, शायद शिवेंद्र को मालूम होगा, मुझे मालूम है, चाचा को तो मालूम था ही, चाचा ने पहली बार मुझे बताया था, अब बाद में मेरे चाचा ने इसकी पुष्टि की थी। मेरे चाचा हैं, उनका नाम भी एमपी सिंह है, महेंद्र प्रताप सिंह, वो प्रतापगढ़ के पहले आईपीएस थे। जब वो बरेली जोन में आईजी थे तो उन्होंने अपनी बेटी यानी मेरी कज़िन के रिश्ते के लिए इस परिवार में आए थे और बड़े भैया से शादी के लिए मेरे चाचा आए थे इस परिवार में। उस समय बड़े भैया की शादी कहीं और तय हो चुकी थी। तो चाचा कहाँ करते थे, एमपी चाचा और मेरे भी चाचा, कि वो रिश्ता भले नहीं बन सका लेकिन तुम्हारे ज़रिए उस परिवार से मेरा रिश्ता फिर से ज़िंदा हो गया है। क्या बात। तो उनकी जो आत्मीयता थी, जो लगाव था, वो तमाम कारणों से, मेरे पारिवारिक कारणों से और मेरे घरेलू संदर्भों से उनका जो प्यार मिलता रहा है और जिस तरह वो हमको सींचते रहे हैं और आज हम जिस तरह से बड़े होने की कोशिश कर रहे हैं, चेष्टा कर रहे हैं, तो उनमें उनका बहुत बड़ा योगदान है। वो याद आएंगे, बार बार याद आएंगे। अब तो अच्छा भी है कि साथ में एक किताब भी उनको याद करने के लिए होगी। धन्यवाद। लौटा लाए यार तुम, क्या बात। देखिए, मैं कुछ बोलने से पहले चाहूँगा कि यहाँ कुछ ऐसी भी मूर्तियाँ हैं जो मुझे जानती भी नहीं, तो मैं पहले अपना परिचय देना चाहूँगा कि आप जहाँ इस पाक सरजमी पे खड़े हुए हैं, बैठे हैं, जो मेरे पिताजी के छोटे भाई बाबू एमपी सिंह का बनाया हुआ आशीर्वाद है। मैं उनके बड़े भाई का बेटा हूँ, भाइयों में सबसे बड़ा। मेरा नाम है यशवंत सिंह, यही मेरा छोटा सा परिचय है। इसलिए कि ना मैं कभी आगे इसका कोई बहुत बड़ा नहीं था, नाम नाम में जगह चाचा जी के नाम पर मैं कुछ बोलने न समझ। वो मेरी जिंदगी का एक दर्द बन करके बचे। वो क्या थे, कैसे उन्होंने बिताया, हम लोगों को कैसे बताया, वो सारे चीज़ें हमारे लिए उन्होंने किया। लेकिन मुझे एक दर्द आज भी है, उन्होंने बहुत कुछ किया, हमने क्या किया, कुछ नहीं कर पाया। कि आप मेरे चचा लोग जो उनके साथ नौकरी किए, जो एक ही मोहल्ले में उनके साथ रहते थे, जिनसे मिलने के बिना एक दूसरे को बराबर बेचैनी थी, सिर्फ उन्हीं को नहीं थी, एक दूसरे को बराबर बेचैनी थी। मिलते रहे, मेरे आने पर मेरा परिचय कराते रहे, वरना आप मुझे क्या जानते, ये मुझे क्या जानते, ये मुझे क्या जानते, कोई नहीं। मैं आज यही कहूँगा कि जो वो कह के गए, जो वो करके गए, आज सारे लोग उसको याद कर रहे हैं, लेकिन सबसे मेरा आग्रह है कि आप उन रास्तों पे चल के आप उनके लिए पुनीत श्रद्धांजलि अर्पित करें। सिर्फ पुस्तकों को पढ़ लेना और पढ़ करके आलमारी ये उनके प्रति आस्था का प्रतीक नहीं है।
आस्था ये है कि उनके बताए हुए चलाए हुए रास्तों पर हम चलें आप चलें। मुझे एक चीज कहते थे जो मुझे कहना नहीं चाहिए, वो कहते थे कि तुम मेरे परिवार के भविष्य के सम्मान हो। ये चीज मुझे कहना चाहिए था या नहीं कहना चाहिए था, जो भी है मैं यही कहूंगा कि इस पुस्तक के माध्यम से ही नहीं, इस पुस्तक के माध्यम से आपको ये जरूर समझ में आएगा कि हमारी संस्कृति, हमारा परिवारवाद, हमारा मित्रत्व आज भी जिंदा है और ये एक संस्कार के रूप में हमें प्रदान किया गया। जमीन से बिछे खड़े दीवारों से तुम छत से छाए, तुम वसंत होकर प्राणों में बसे लड़े पतझारों से, तुम ही चित्रों से प्रेमों में जड़े लदे हो हारों से, तुम छत से छाए।